तो गाइस फाइनली नगर पहुंच चुके हैं जी। अब नगर से अगर आप यहां पहुंचोगे तो राइट साइड में जो गाड़ी गई वहां जा रहे हैं, नगर बोर्ड लगा हुआ है सामने, चलो जी। और बस यहीं से बोल रहे हैं ऊपर को जाओ और वहीं कैसल है ऊपर। हाँ ले चलते हैं साइड में, आप जहां तक अपनी नजर दौड़ाएंगे आपको खूबसूरती और बेहद खूबसूरती नजर आएगी। ये देखिए सामने सामने बड़ा सा ग्रीन पहाड़। अभी हम फिलहाल नगर में हैं और आपको यहाँ की काफी फेमस जगह है नगर कैसल वहां लेके आए हैं। ये सामने है नगर कैसल, ये लिखा हिमाचल टूरिज्म की तरफ से इसे मेंटेन किया जा रहा है, रन किया जा रहा है द कैसल। देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो जी दोनों राइडर पहुंच चुके हैं नगर कैसल। और नगर कैसल की बात करें तो ये पड़ता है मनाली से 20 किलोमीटर हमें, और लगभग एक घंटा लग गया, एक घंटे का राइड है क्योंकि हमने बीच में वो ट्राउट फिश फार्मिंग वाला भी देखा, खाना भी खाया। तो उसको हटा दें तो 40-45 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे आप ऊपर ऊपर से ही, वरना आप चाहें तो जो मेन रोड है मनाली और कुल्लू को कनेक्ट करता है वहाँ से भी रास्ता है, वहाँ से भी आ सकते हैं। चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं नगर में क्या है। इसके बाद आपको एक और फेमस जगह है वहाँ लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो आसपास में यहाँ पे कुछ होटल्स आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, नगर डिलाइट कैफ़े है यहाँ पे, यहाँ मन्नत होम है, तो यहाँ भी आपको कुछ ऑप्शन स्टे की मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे होटल शीतल है एंड सिंड्रेला रूफटॉप रेस्टोरेंट है, तो मतलब अगर आप डायरेक्ट यहाँ भी आते हैं तो कुछ होटल्स की और स्टे की ऑप्शंस यहाँ, लवाजा मिल जाएगा आपको, पिज्ज़ा है, पहाड़ी रॉबिन हुड, ये सब है यहाँ पे। और ये एंट्री है यहाँ पे, और एंट्री है जी, एंट्री में बोलते हैं 30 रुपये पर लगेंगे, और विजिटिंग आवर्स हैं इसके 9 AM to 6 PM। तो नगर कैसल में सबसे पहले टूरिस्ट अट्रैक्शंस अराउंड नगर कैसल बताता हूँ आपको। यहाँ पे रोहतांग पास, मनाली, कुल्लू एयरपोर्ट, कुल्लू भी यहाँ से 29 किलोमीटर पड़ता है, रोहतांग 74 किलोमीटर्स है। अब यहाँ पे जो मूवीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ बॉलीवुड की शूट हुई हैं, उनमें हीरो, रोज़ा, जब वी मेट, वो जो गाना है ना जब वी मेट का, वो हाँ कोई नशा क्या है, वो कौन सा गाना है, क्यों आने लगा ऐसा, पूछो ना वो, बरसात, गीत, तेरे नाल लव हो गया, बैंग बैंग, ट्यूबलाइट, यार अनमोले रिटर्न, माचिस, दसमदुरु तेलुगु मूवी है, लिटिल चैम्प, जासूस विजय, नूरी, पटियाला बेबे, सोचो इतना सारा कुछ यहाँ पे शूट हुआ है, काफ़ी पॉपुलर जगह है इसका मतलब। तो आइए जब तक हम कैसल घूमते हैं तब तक इस कैसल के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय धरोहर नगर कैसल के दीदार के लिए रोजाना फॉरेन से और लोकल टूरिस्ट अक्सर आता रहता है। कभी कुल्लू की प्राचीन राजधानी वाला नगर कैसल अब घाटी में पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। तो अभी एक होटल है जो हिमाचल टूरिज्म मैनेज करता है और जिसमें आपको रॉयल सूट है 3700 रुपये मिल जाएगा, आपको DBR लग्जरी 3500, सबसे महंगा 3700 रुपये का रूम है यहाँ पे, उसके बाद डीलक्स है 1900, रेगुलर है 1600, इकोनॉमी है 1200 रुपये, टैक्सेस विल बी एक्स्ट्रा, तो सब पे टैक्स लगेगा आपका। तो बस रेट्स आपको बता दिए मैंने और अब आगे चलते हैं। ये एंट्रेंस है नगर कैसल, आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस राष्ट्रीय धरोहर का निर्माण देवदार के बड़े बड़े पेड़ों और पत्थरों से किया गया है। खास बात यह है कि इस भवन में कहीं भी लोहे की कीलों का प्रयोग नहीं हुआ है। नगर कैसल का इतिहास कई वर्ष पुराना है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस किले का निर्माण राजा सिद्ध सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर, यह जगती पट टेम्पल,
लेदर गुड्स वगैरह प्रोहिबिटेड है, आजकल बंद है। नगर में अगर आप देखेंगे तो मैं कुल्लू की अगर आपको बात करूं, तो नकाशी की अगर बात करते हैं तो कुल्लू में वन ऑफ द हिमाचल में फाइनेस्ट नकाशियां देखने को आपको मिलेंगी। अगर आप देखेंगे सामने का दरवाज़ा, ये सारा हाथों से बना होगा और इतनी फाइन नकाशी दरवाजे पे की गई है। तो कुल्लू में इस चीज़ के लिए कुल्लू काफ़ी फेमस है। आप ये जो लकड़ी पे आप काम देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सही काम मिलेगा हुआ एवरीवेयर। म्यूजियम रूम्स हैं, ये 104 इकोनॉमी, और ये सामने जहाँ भी आपको एंट्री दिखेगी, एंट्री पे हर जगह लकड़ी का बहुत ही सॉलिड काम, बहुत अच्छा काम हुआ भाई, देखो क्या फाइन डिज़ाइन है जो है ना। 7वीं शताब्दी के मध्य तक राजा महाराजा ने इसे शाही महल तथा शाही मुख्यालय के तौर पर प्रयोग करते थे। बाद में इसे कुल्लू के राजा जगत सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया। सन 1846 तक इसके घराने के वंशज किले का प्रयोग ग्रीष्मकालीन महल के रूप में किया करते थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने सारा कुल्लू सिखों के अधिकार से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया था, तब राजा ज्ञान सिंह ने एकमात्र बंदूक के लिए इसे मेजर को बेच दिया था। इसके बाद इसे रहने के लिए यूरोपियन रहन सहन के अनुसार परिवर्तित कर दिया गया। कुछ समय बाद मेजर ने इसे सरकार को बेच दिया और इसका प्रयोग जो है ग्रीष्मकालीन न्यायालय के रूप में होने लगा। ये सामने ये एक्चुअली ये जो रास्ता जाता है ये रूम्स की तरफ जाता है, जहाँ पे आपको रूम्स मिलेंगे डीलक्स और इस तरह के रूम्स होंगे। ये देखो तो गाइज़ ये नीचे बोलते हैं स्टेयर्स उतर के यहीं पे हम मिस आउट कर रहे थे, बट हमने पूछा तो पता लगा कि नीचे म्यूज़ियम है और आप यहाँ भी जा सकते हैं बोलते म्यूज़ियम में। तो स्टेयर केस है जो नीचे लेके जाएगा आपको। तो बेसमेंट में म्यूज़ियम है और म्यूज़ियम में आपको कुल्लू में खासकर मुझे ऐसा लगता है जो वाद्य यंत्र यूज़ होते होंगे उस समय, जो खाना बनाने के लिए जो बर्तन यूज़ किया करते होंगे वीविंग के लिए या फिर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, जो उनका पहनावा है कुल्लू का वो आप सामने देख सकते हैं, जिसको आप बाहर से जैकेट सदरी और तो जो लेडीज़ पहनती हैं और जो फंक्शंस में पहनते हैं वो सामने लगा हुआ है। और ये हमारे कुल्लू के वाद्य यंत्र हैं जो अक्सर देवी देवताओं के साथ बजते हैं, मेले में बजाए जाते हैं, ये देवी देवताओं के साथ बजाया जाता है। तो ये आपका किल्टू है छोटा सा, जिसमें लेडीज़ जो होती हैं वो सब्जियाँ फल वगैरह तोड़ते हैं तो इसमें डालते हैं। तो इस तरह का म्यूज़ियम है और छोटा सा म्यूज़ियम है, बट इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगाई हुई है। आई विश एक टूरिस्ट को ये नॉलेज नहीं होगी तो मैं मतलब मुझे अच्छा लगता अगर यहाँ पे लिखा होता कहीं कि ये क्या है। तो यहाँ से आपको जो नगर है वो खूबसूरत गांव दिखेगा। तो आप मैक्सिमम यहाँ पे देखोगे जो पुराने घर हैं इनको चक्के बोलते हैं, जो उसकी छत पे लगाए गए हैं स्लेट या चक्के बोलते हैं इनको जो यहाँ लगाए हुए हैं। तो ये सामने आप देखोगे जो भी छतों पे लगे हुए हैं सामने अगर आप देखेंगे तो इन्हें स्लेट या चक्का बोलते हैं, बाकी तो भी नहीं आ गए मॉडर्न। पुराने घरों में गाँव में और हर जगह यही हुआ करते थे पहले। ये देखिए ग्रैंड व्यू कैसल का, यहां से लग रहा है अच्छा। तो जी 15 से 20 मिनट में आराम से फोटोज खींचते खिंचाते भी आप आराम से एक्सप्लोर कर लेंगे इसको, कैसल को। तो कैसल हो गया एक्सप्लोर। अब यहाँ पे जाना एक जगह, जना मैंने सुना है काफ़ी पॉपुलर जगह है, एक्सप्लोर करके देखते हैं कि वहाँ पे क्या खास है। तो ये तो अच्छे से बता दिया मैंने आपको इसके बारे में, आई एम श्योर आपको पसंद भी आया होगा। तो यही है आसपास का टाउन। अच्छा अगर आप यहाँ रहेंगे तो एक तो ये थोड़ा हेरिटेज है आपको अच्छा लगेगा फील, बाकी साथ में आमने सामने का ब्यूटी बड़ी अच्छी है क्योंकि गाँव से घिरा हुआ है सारा एरिया, तो आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आएंगे आमने सामने देखेंगे जब आप। सो आप आएँ तो अपना स्टे यहाँ भी प्लान कर सकते हैं, वरना मनाली से आने में कोई दूर नहीं है, इट्स हार्डली लाइक 20 किलोमीटर है, 40 मिनट या 50 मिनट आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस।
सोच रहा था यार, सोचिए ये डीलक्स आपका रूम हो, ऐसा नजारा हो सामने का, और ये देखो, मतलब फील आ जाएगा। नहीं क्या बोलते हो, रूम लिया हुआ आपने इधर, ये तो सॉलिड लगा मेरे को यार, टेरेस इनका मतलब उससे भी अल्ट्रा सॉलिड है ये। ओह भाई साहब क्या बात, ये है ना व्यू, इसको बोलते व्यू है ना, जो यहाँ बैठो, क्या सॉलिड जगह। ये नगर कैसल का मुझे बेस्ट लगा, ये मेरे लिए नगर कैसल, आर्किटेक्ट तो चलो है ये, पर ये मुझे बेस्ट लगा यहाँ का व्यू। तो जी कुछ कमाल का आर्किटेक्ट देख लेने के बाद और बहुत सारी हिस्ट्री जान लेने के बाद, अब वक्त हो चला था हमारी अगली डेस्टिनेशन पे जाने का। अगली डेस्टिनेशन जो कि एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है, अगर आप नगर आते हैं तो आपको यहाँ पे जाना ही चाहिए क्योंकि ये रास्ते में पड़ता है। अगर आप नगर कैसल की तरफ आएंगे तो आपको थोड़ा ही नीचे नगर कैसल से एक बोर्ड नज़र आएगा जो आपको 11 किलोमीटर जना गाँव दिखाएगा। जना गाँव में पड़ता है जना वाटरफॉल। इस रास्ते की अगर बात करें तो रास्ता थोड़ा छोटा है, बट अगर आप अगस्त में या सितंबर में इस रास्ते से विज़िट करते हैं तो आपको बहुत सारी ग्रीनरी और साथ में पूरा रास्ता जो है सेब के बगीचों से भरा हुआ मिल जाएगा। अगर आप एक टूरिस्ट हैं तो आपके लिए ये साइट वर्थ वॉचिंग होगी। तो जना जब आप पहुंचते हैं तो जना आपको बता दूं चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं और आसपास अगर आप नवंबर या दिसंबर में जाएंगे तो आपको बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखेंगे। जना जाने के लिए आइडल टाइम की बात करें तो पूरी साल ही आइडल टाइम है। अगर आप मानसून में बहुत ज़्यादा हैवी रेन को अवॉइड करेंगे तो आपको जो वाटर का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। तो झरना, अगर आप कोई भी वाटरफॉल विज़िट करते हैं तो मानसून में अगर विज़िट करेंगे तो उसे देखने का अपना ही एक चार्म और अपनी एक डिलाइट होगी। तो अगर आप सी लेवल से बात करते हैं तो जना वाटरफॉल लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर पड़ता है। अगर आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ, जैसे ही कुल्लू की तरफ से बढ़ेंगे, आप ध्यान दें तो आप नोटिस करेंगे कि जो पेड़ है वो बदल चुके हैं और बिल्कुल टॉप पे आके आपको जो है देवदार के पेड़ मिलना शुरू हो जाएंगे जिनकी हवा काफ़ी ठंडी होती है। तो कुल्लू से ऊपर जना का वाटरफॉल का टेम्परेचर जो है वो ठंडा होगा। आपको बता दूं यही रास्ता अगर आपके पास बाइक है या फिर आपके पास एक 4x4 व्हीकल है तो यही सेम रास्ता जो है आपको जना वाटरफॉल होते हुए जो है बिजली महादेव भी लेके जाता है। अगर आपके पास एक अच्छा ऑफ रोडर व्हीकल है या आप बाइक पे आए हैं तो आप इसी रोड को फॉलो करते हुए बिजली महादेव तक अपनी जो बाइक और गाड़ी है वो ले जा सकते हैं। हाँ, बर्फ़ में अवॉइड करें क्योंकि इस रास्ते पर बिजली महादेव बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो आप बर्फ़ में गाड़ी वहाँ नहीं ले जा पाएंगे और मैं सजेस्ट करूँगा कि वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। थोड़ी सी ऑफरोडिंग हो गई जाना पहुंचने से पहले, जाते बिल्कुल बिल्कुल बाकी बाकी नहीं कुछ बना बिना होगा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, क्या हाल चाल। सो गाइस वेलकम ऑन बोर्ड, वेलकम टू जना फॉल। ये जना फॉल मैं बता दूँ आप लगभग 2280 मीटर ऊपर पड़ता है ग्राउंड लेवल से। इतना ऊपर है कि अगर कुल्लू में आपको गर्मी लग रही होगी तो ऊपर आते आते आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी, हवा इतनी ठंडी है। बट यहाँ की खासियत ये नहीं है, खासियत ये है कि यहाँ पे जो रोड है ना आपका, मतलब आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, छोटा बेशक है पर वो जो सेब के बगीचों से घिरा हुआ और सामने को जो कुल्लू का व्यू दिखता है यहाँ से और ऊपर आगे जो ये नज़ारा मेरे ठीक पीछे आपको दिख रहा है, ये ब्रेथ टेकिंग साइट है। ठीक है, जो गए ना ऊपर वहीं पे अंदर है, ऊपर जाओ। अच्छा ऊपर, बाकी बंदों का ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है। सागर भाई हैं, बड़े कूल हैं, बहुत वेलकमिंग लोग हैं यहाँ के। और तो अभी हम समझिए चल पड़े हैं और तो यहाँ पे आपको आपका लोकल हैंडीक्राफ्ट भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको टोपियाँ हैं, बच्चों की जुराबें हैं, कोटियाँ हैं, अगर आपको ठंड लग रही है तो शॉल है, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आप। हाँ, बड़ा फॉक्स ये है ना। अच्छा, और ये छोटा ये है, ठीक है। और ये मफलर है बेटा, ये मफलर है। तो फ्रेंड्स दिस इज जना फॉल, ब्यूटीफुल, ब्यूटी एट इट्स बेस्ट।
हेलो हेलो। तो अब यार यहाँ से बोलते हैं कि यहाँ से ऊपर को बोलते हैं कि ऊपर चढ़ेंगे अगर आप तो आपको कुछ इसी तरह की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे और इसी तरह से आपको जाना होगा। आ जा, ये वाली स्टेयर्स है, इसी तरह का छोटा सा रास्ता है जो आपको ऊपर लेके जाएगा, ऊपर पता नहीं है क्या। चलो एनीवेज आ जाओ। नीचे देखा हमने वाटरफॉल, अब यहाँ भी कुछ है, आओ लेके चलता हूँ आपको। तो जना वाटरफॉल जो है काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे, क्योंकि आप देखोगे इसे स्टेप्स में मेंटेन किया गया है या काफ़ी अच्छे से बैठने के लिए आसपास जगह बनाई गई है। और आपको बता दूं अगर आप चाहें तो आप यहाँ नहा सकते हैं, तो अपने नहाने वाले कपड़े साथ लेके आ सकते हैं, टावल और सारी चीज़ें, ताकि आप यहाँ पर अच्छे से नहा सकें और बाद में जाते हुए अपने कपड़े बदल सकें ताकि आपको यहाँ पर ठंड ना लगे। तो गाइस फाइनली हमने जो जना फॉल है उसका भी एंड कर दिया है। आप मेरे ठीक पीछे देखोगे वहाँ पे वो थोड़ा सा दिख रहा है, बस ये समझ लो एंड पॉइंट है। काफ़ी पहाड़ से ऊपर से आ रहा होगा और हम शोर ऊपर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा, बट हमने कोशिश की है जितनी चोटी तक पहुँच सकते थे उतना पहुँच गए। सो हसल अंग ट्रैवलर सैंडी, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। थोड़ा टायरिंग है क्योंकि खड्डे 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 आते हैं बीच में, लास्ट का स्ट्रेस थोड़ा सा कच्चा था, पर जब एक बार आप यहाँ पहुँच गए मतलब ऊपर टॉप पे पहुँच जाओगे, ये जो झरना स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक जाता है और जो आपको फोटोज मिलेंगे यहाँ से और जो इन्जॉय करोगे वो बहुत अच्छा है। एडवेंचर के लिए खास कुछ नहीं है यहाँ पे, छोटे मोटे ढाबे हैं पर जगह बहुत कमी है। एक तो कुल्लू का नीचे का व्यू बड़ा खूबसूरत दिखता है और ये जगह 11 किलोमीटर पड़ती है पर आपको एक अलग ही हाइट पे और अलग वेदर कंडीशंस में ले जाएगी, कुल्लू से टोटली डिफरेंट। यहाँ पे हवा आपको थोड़ी ठंडी लगेगी, बारिश के टाइम में अवॉइड करिए आना मत आइए, नॉर्मल मौसम में कभी भी आ सकते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब, थैंक यू, सब्सक्राइब सासल अंक, सब्सक्राइब ट्रैवलर सैंडी, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। कुल्लू भूखा नहीं पड़ने देगा आपको, ये एप्पल आपको ऊपर गए तो दोबारा चोरी कर लिया यार बोलना चाहिए, पर यार इतने बड़े बड़े इतने ब्यूटीफुल सड़क खड़े अटक रहे थे, भूख भी लगी थी, मन फिर ललचा जाता है इतना फ्रेश एप्पल देख के, तो हमने दो चार तो ऊपर को बहुत लगे मैं जब हम ऊपर गए।